Prime Minister, sir, namaskar. I'm Nida of class 10th from Government Model High Secondary School, Sujma, Jammu. Sir, my question is, when we work hard but do not get the desired result, then how can we put that stress in a positive direction? Respected sir, have you ever been through such a situation? Thank you. धन्यवाद निदा. माननीय प्रधानमंत्री जी, भगवान कृष्ण के उपदेश की भूमि, खेल जगत में ख्याति प्राप्त नीरज चोपड़ा जैसे विख्यात खिलाड़ियों के प्रदेश हरियाणा के पलवल से प्रशांत आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं. प्रशांत, कृपया अपना प्रश्न पूछे. माननीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार. मेरा नाम प्रशांत है. मैं शहीद नायक राजेंद्र सिंह राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हथीन, जिला पलवल, हरियाणा के कक्षा 12वीं विज्ञान संकाय का छात्र हूँ. मेरा आपसे यह प्रश्न है कि तनाव परीक्षा के परिणामों को किस तरह प्रभावित करता है. मैं इसमें आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ. धन्यवाद श्रीमान. धन्यवाद प्रशांत. माननीय प्रधानमंत्री जी, निदा और प्रशांत की तरह देश भर के करोड़ों छात्र आपसे परीक्षा परिणाम पर तनाव का प्रभाव इस विषय पर मार्गदर्शन चाहते हैं. माननीय प्रधानमंत्री जी. देखिए, परीक्षा के जो परिणाम आते हैं उसके बाद जो तनाव है उसका मूल कारण, एक तो हमने परीक्षा देकर के जब घर आए तो घर के लोगों को ऐसे पाठ पढ़ाए कि मेरा तो शानदार पेपर गया है, मेरा तो बिल्कुल 90 तो पक्का है और बहुत अच्छा करके आया हूं, तो घर के लोगों का एक मन बन जाता है और हमको भी लगता है कि वो गाली खानी है तो महीने भर के बाद खाएंगे, अभी अभी तो बता दो उनको. और उसका परिणाम ये आता है कि वैकेशन का जो टाइम होता है, परिवार ने मान लिया होता है कि तुम सच बोल रहे हो और तुम अच्छा रिजल्ट लाने ही वाले हो, ऐसा मान लेते हैं. वो अपने दोस्तों को बताना शुरू कर देते हैं, नहीं नहीं इस बार तो बहुत अच्छा किया उसने और बहुत मेहनत करता था, अरे कभी खेलने नहीं जाता था, कभी रिश्तेदार के यहाँ शादी, वो अपना जोड़ते रहते हैं. जैसा मेरा बड़ा बड़ा, और एग्जाम का रिजल्ट आने तक तो उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया होता है कि बस ये तो फर्स्ट सेकंड के पीछे रहेगा ही नहीं, और जब रिजल्ट आता है 40-45 मार्क, फिर तूफान खड़ा हो जाता है. और इसलिए पहली बात है कि हम सच्चाई से मुकाबला करने की आदत छोड़नी नहीं चाहिए. हम कितने दिन तक झूठ के सहारे जी सकते हैं? स्वीकार करना चाहिए, हाँ मैं आज गया लेकिन मैं एग्जाम ठीक से नहीं गई मेरी, मैंने कोशिश की थी, अच्छा नहीं हुआ. अगर पहले से ही आप कह देंगे, और मान लीजिए 5 मार्क ज्यादा आ गए तो आपने देखा होगा घर में तनाव नहीं होगा, वो कहेंगे अरे तू तो कहता था बहुत खराब गया, तुम तो अच्छे मार्क लेके आए हो. स्टैंडर्ड, वो जो मानदंड है ना, वो सेट हो जाता है, उसे अच्छा दिखता है. इसलिए आपको दूसरा है तनाव का कारण, आपके दिमाग में आपके दोस्त भरे रहते हैं, वो ऐसा करता है तो मैं ऐसा करूंगा, वो ऐसा करता है तो मैं ऐसा करूंगा. क्लास में कोई बहुत ही होनहार बच्चा होता है, हम भी होनहार होते हैं, 19-20 का फर्क होता है, दिन रात हम उस कंपटीशन के भाव में जीते हैं, तनाव का ये भी एक कारण होता है. हम अपने लिए जिए, अपने में जिए, अपनों से सीखते हुए जिए, सीखना सबसे चाहिए, लेकिन अपने भीतर के सामर्थ्य पर बल देना चाहिए. अगर ये हम करते हैं तो तनाव से मुक्ति की संभावनाएं बढ़ जाती है. दूसरा, जीवन के तरफ हमारी सोच क्या है,
जिस दिन हम मानते हैं कि ये एग्जाम गई मतलब जिंदगी गई, फिर तो तनाव शुरू होना ही होना है। जीवन किसी एक स्टेशन पर रुकता नहीं है जी, अगर एक स्टेशन छूट गया तो दूसरी ट्रेन आएगी, दूसरे बड़े स्टेशन पर ले जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। एग्जाम वो एंड ऑफ द लाइफ नहीं होता है जी। ठीक है, हमारी अपनी कसौटी होनी चाहिए, हम अपने आप को कसते रहें, अपने आप को सजते रहें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए, लेकिन हमें इस तनाव से मुक्ति का मन में संकल्प कर लेना चाहिए। जो भी आएगा, मैं जिंदगी को जीने का तरीका जानता हूं, मैं इससे भी निपट लूंगा। और ये अगर आप निकट कर लेते हैं तो फिर आराम से हो जाता है। और इसलिए मैं समझता हूं कि इस प्रकार के परिणाम के तनाव को कभी कभी उतना मन में लेने की आवश्यकता नहीं है जी। धन्यवाद।